तो मुझे लोगों को मिलने का बहुत मजा आता है और आप सबको मिल के मैं बहुत खुश हूँ। बात बच्चे से ही चालू करेंगे, जब बच्चे की बात हुई तो आपने बोला ना सब अपने अपने मूड में जो आए, अपने मन में जो आए। मुझे हिंदी पर इतना कमांड नहीं है जितना गुजराती का है, लेकिन अंग्लिश तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो शायद बोलने में कुछ कुछ को पूछना पड़े तो पूछना कोई आप क्या बोलते तो ये हो गया कि बोले कि हम सब म्यूजिक सीख रहे हैं, वो सीखे ये सीखे नृत्य के, जो भी करना है यहाँ पे कर रहे हैं अपने अपने मूल से, अपने अपनी समझ से जो भी सीखना है हम लोग करते हैं। तो मुझे एक बच्चों की बात याद आती है, पिंडवल नाम का एक गांव है, शायद आपने सबसे सुना होगा, वहाँ सरोजे की एक स्कूल है, कांति भाई शाह और वो बहने दो थी वो चलाते थे। तो आपको मैं बादल बोलूँगा, आप लोग तो बादल है, क्योंकि बादल जब मन चाहे अपना शेप बदल लेता है। तो आप अपने मन में जो भी आए अपने पेंटिंग आप बनाते हैं, मैं कैसा बनूंगा वो कुछ उसको देख के नहीं, मुझे जो करना है ये तो बात है। तो वो स्कूल में मैंने एक सोचा था मेरी नौकरी में कि मैं वन ईयर का होऊंगा, बाद में मैं नौकरी नहीं करूंगा, बाद में कुछ भी करूंगा लेकिन नौकरी छोड़ दूंगा। अभी नौकरी तो छोड़ दी, थोड़ा टाइम कंप्यूटर का काम भी किया, फिर सोचा कि एक स्कूल बनाएं, जैसे बच्चों को लेके हम कैंप करते थे वो तो सब करते थे, उसमें जो मजा आता था, मतलब ऐसे स्कूल बनाए जहाँ पढ़ना ना हो, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा नहीं। तो हमने पिंडवल में कांति भाई से पूछा कि भाई वहाँ कोई जमीन मिलती है तो हम करेंगे और वहाँ स्कूल बनाएंगे। तो कांति भाई ने बोला भाई अभी आप 50 साल के हो गए, स्कूल बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके जगह मेरी स्कूल चालू है तो उसमें काम करें। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ से काम करेंगे। तो मैं वहाँ गया, पहले ही जाके बच्चे इतने बहुत मासूम बच्चे, 1 से 7 दौरान तक 200 बच्चे रहते, अपना खाना खुद बनाते हैं, एक हेल्पर होता है साथ में, सभी गांधी संस्थाओं में जैसे होता है खुद खाना बनाना, खुद टुकड़ी पानी टुकड़ी ये टुकड़ी वो टुकड़ी सब। तो उनके साथ रहना हुआ, दूसरे दिन सभी प्रार्थना हुई स्कूल में, तो बच्चों ने गाई मैं पाप कर्या थे एवा, मैं तो क्या पाप किया है, तो ऐसी तो कभी प्रार्थना होती, वहीं से मेरा दिल डरा। क्यों कहते क्यों ये इतने बच्चे बच्चे बोलते मेरे पाप किए हैं मुझे मुक्त करे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, अच्छी प्रार्थनाएं ढूंढेंगे और गाएंगे, नहीं तो कविता गाएंगे या तो कुछ बोलेंगे। तो फिर बच्चों को कुछ बोलने का कहा तो इतना घबराते हैं वो बात नहीं करते। तो फिर मैं सोचा चलो गेम खेलते हैं हम लोग। प्रार्थना उसी दिन से हमने म्यूजिक में कन्वर्ट कर दी, शब्द नहीं आएंगे प्रार्थना में, जब तक बच्चों को नए गीत नहीं सिखाएंगे नए प्रार्थना नहीं सिखाएंगे तब तक म्यूजिक बजेगा प्रार्थना के टाइम, और उसके बाद एक बच्चा खड़ा होगा और उनको बाकी के बच्चे बोलेंगे कि आज तू कुछ बन जा, यानी कि बोलेगा तू आज मिर्ची बन जा, तो उनको मिर्ची बनना है, दूसरे दिन प्रार्थना में कहना है कि मैं कल मिर्ची बना था तो ये मुझे अनुभव हुआ। अभी वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो मैं मिर्ची करके बैठ जाएगा चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलना तो है। तो पूरी स्कूल का टर्न आ गया कि मेरा भी आया। तो मैं पूछा बोलो बच्चों मैं क्या बनूँ, तो बोला दादा तू बादल बन जा, क्योंकि उधर रेन बहुत होती है, दिवाली तक बारिश गिरती है, बादल लोगों को बहुत देखने को मिलते हैं, तो दादा तू बादल बन जा। तो हम तो बादल बन गए, दूसरे दिन कहना है तो जो ये प्रोसेस चलती है, मैं पहले हिंदी में कविता समझा देता हूँ फिर गुजराती में बोलूँगा कि चल बादल बने और देखे कि हमारे में से बारिश होती है या नहीं, बारिश ऐसा कुछ अंदर सकते हैं या नहीं, देखे कि कोई दो खेती करने के लिए बादल के नीचे निकलते हैं और जाते हैं कि नहीं,
फिर स्ट्रेंज है कि हमें तो आकाश भर के आना है ना, और पूरे एरिया में बारिश गिराना है, इतना जोर से गिराना है कि नंगे बच्चे को नहाते देख के पूरे गांव को उनके जैसे नहाने का दिल हो जाए। होता है, ऐसा भी होता है। फिर दूसरी संज्ञा है कि श्याम या श्वेत, काला या सफेद, मन चाहे ऐसा रंग हम ले सकते हैं और अपनी मौज से अपना पेंटिंग कर सकते हैं अपने शेप का। और जब शरीर की जो केज है, जेल है, वो जेल को तोड़ सकते हैं अगर बादल होते यही शेप में रहना, ऐसा नहीं करता ये कभी हो जाए तो ये कर सकते हैं। और अंत में बादल क्या करता है, अपने आप में से निकल के गिर जाता है, तो हमें अंत में अपने आप से निकल जाना। ये कविता का ये। तो दूसरे दिन बोला दादा क्या करोगे, मैं तो गाऊंगा। बच्चे समझे नहीं समझे कुछ नहीं, गाते हैं। तो चालने वादर थे अने जोईए कि कई काई से धोधम धोध जेवु कई अपना दिशे, अपना में कोई हर जोड़े के कोई पे जना जाए भी जाता, खेतरो भणी जाए भी जाता वावरी मीशे, चालने वादर थे अने जोईए कि क्या कठाई से धोधम धोध जेवु कई अपना विशे। अपने तो आकाश भरीने आऊं अने छलकी जाऊं एवड़ो मने वन, नागरा नाता छोकरा ने जोई थाई तो आखा गमने नी जमना वनु मन, हाई एवू तो थाई भरीने अपने तो बत वर्षे जाऊं गमने माते सीमने माते उगमनिया थमने दिशे, चलने वादर थाईये अने जोई अपनी मोजे अपना चित्र काढ़िए देखनी टूटे जेल, अपने तो बस अपना मती निकली जाऊं जर मरी ने कोई जानी जाकर गेली पांदड़ी विशे, चालने वादर कहिए अने जोईए के क्या आईते दो दम जोड़ते उतनी अपना। तो ये ऐसा होता है कि जब भी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है या कोई बात कान में पड़ जाती है पर अगर छू जाती है तो ये निकल आता है। तो कोशिश करके मैं नहीं लिख पा रहा, मुश्किल ये है कि मैं मेरी बहुत कम किताबें हैं, सात आठ नौ दस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मगर तो, मैंने तो कोई बोली कि भाई आपको कवर दे देते हैं आप बैठ जाइए और लिखिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कोई बात आनी होगी, कोई चीज़ होती होगी जो दिल को छू। इसी स्कूल में बहुत अच्छा प्रसंग मुझे, फिर मैं नर्मदा की बात करूँगा, नर्मदा शायद कोई चला है, आप चले अरे भाई आपका मैं आपके नाम से ऊपर बैठ गया। तो बच्चियां आदिवासी है, हमारी भाषा नहीं जानती, तो मैंने कभी गुजराती शब्द और उनके शब्द अपनी भाषा का शब्द मिला के गाने बनाए, वो तो गाती है तो दोनों का मतलब समझ में, एक शब्द ये होगा एक उनकी भाषा का होगा तो समझ जाते। ऐसे कोशिश मेरी चल रही थी और दिवाली की छुट्टियां आ गई। अब समर की छुट्टी में हम पूरी स्कूल को एक साथ छोड़ देते हैं कि जाओ तो चले जाते हैं, लेकिन दिवाली की छुट्टी में कोई गांव से कोई बड़ा आदमी आएगा उसको हम बच्चे देंगे, भाई ये आपके आसपास के गांव के पाँच छः बच्चे हैं आप साथ में ले जाएं, क्योंकि बारिश सर तुरंत तक होती है और घास इतना बढ़ गया है, स्लीपी हो गया होगा रास्ता, सांप इतने निकलते हैं, तो बच्चों को अकेले नहीं भेज देते कि चलो जाओ घर। समर में तो भेज देते हैं कि पूरा सूखा होता है। तो धीरे धीरे बच्चे जा रहे थे, स्कूल में छुट्टी है लेकिन बाकी जिसके गांव से कोई आया नहीं था, ऐसे 50-60 बच्चे रह गए थे। तो एक दिन मैं अच्छा घर में बैठे बैठे गए, लड़के लोग वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, तो मैंने मना किया हुआ था कि
इलिटेंट हम लोग बना, तो मैंने नहीं किया था, हम पूरा डिसीजन लिया था कि चलो कहाँ खेलें सर के पूरे बच्चों को ही पूछा, तो बाहर खेलेंगे ग्राउंड में था, लेकिन वो अंदर खेल रहे थे, तो मैं बाहर आया तो उसने छुपा दिया। मैं तो क्या कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ है, फिर बताया कि ये खेल रहे हैं, तो चलो ना यहाँ क्यों खेलते, बाहर वहाँ खेलेंगे, मैं हाँ मैं भी कर रहा हूँ, खेलेगा आपके यार शब्द नहीं है उनके पास, तो तू ही बोलेंगे तो तू खेलेगा, हाँ मैं भी आऊँगा। थोड़ी जगह गया तो उस टाइम बच्ची हो जो रसोई बनाती थी वो अपने अनाज साफ कर रही थी, वो देखते देखने के वो बुरा पैसा, फिर मैं वापस आके रिक्शे लगा, तो दोपहर पे तो बच्चियाँ आ गई उनकी काम पूरा करके और अंदर नहीं आती, बहुत शर्माती है, घबराती है, इधर दरवाजे में खड़ी रहेगी, विंडो में आए के देखेगी ऐसे, और मतलब क्या है, अंदर आओ अंदर आओ, फिर धीरे धीरे अंदर आई, मतलब क्या है, तो तू लड़कों के साथ खेल रहा है, हमारे साथ खेलेगा, तो क्या खेलेंगे, बोला लंगड़ी खेलेंगे, लंगड़ी में मैं तो गिर जाऊँगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ अच्छा खेल बोलो। फिर मैं बोला पांची का, हमारे गुजराती में वो जो पत्थर उछाल के नहीं खेलते बच्चे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, हम पांची का बोलते हैं, तो मैं बोला पांची का ठीक आपको आपको आता है, तो बोला नहीं पांची का तो नहीं आता है, तो क्या होता है पाँच पत्थर ले आओ, ओ दत्तर अरे अरे ये तो हमारे पास नहीं है, ठीक है फिर राउंड लग गया। अभी मेरे पास बेबी है सेमी, वो गवर्नमेंट वाली वो सेमी शेयर बाजार वाली नहीं, लेकिन लड़की का नाम रेवी, वो लोग ऐसा नाम रखते हैं रेवी या तो कोई किसी का नाम बताने के लिए लेंगे, रेवी मेरे साथ में थी और भामी करके एक लड़की थी, तीसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, एकदम दुबली पतली और अपने लगेगा ये गिर जाएगी चलते चलते कितनी, और मैं कभी भी पूछता तू कहाँ से पढ़ने आती है, तो बोला मैं पांडवगढ़ से आती हूँ, तो किधर है, वो तीन डोंगर अपने माता घर है, तीन डोंगर चढ़ के उतरूंगी तभी मेरे घर में जाऊंगी, इतने दूर रहती हूँ, तो वो भामी वहां से देखती है और वो टेबी मेरे पास बोलती थे उधर से बोलती है दादा टेबी को मत बिठाओ वहां टेबी को मत बिठाओ, मैं बोला क्या है जल देखो मुझे मालूम नहीं वो क्यों ना बोल रही, बोले टेबी वो तो क्लेवरेस्ट ए खेलने में तो मुझे हरा देगी वो, और मुझे क्या है तब होता था मुझसे ये भी होता था, लेकिन ऐसा करके यहाँ रखने का जो आता है खाने का बिल बच गया, तो बोला अभी खाने जाते हैं, तो मेरा 15 दाव कब उतारोगे, मैं बोला अभी दिवाली वेकेशन के बाद कब मिलेंगे, तो मैं ठीक किया आऊंगा और उतार दूंगा, नहीं नहीं आपको देने पड़ेंगे, मैं कहा देंगे जरूर देंगे तो नहीं देंगे, फिर तो कब चले, उनको बहुत ये होता है अपने जो मैं जीती हूँ तो मुझे वो मेरा चाहिए ही मेरे साथ ना उतारना है, जैसे कैसे नहीं कि भाई मेरा 1000 रुपया लिया है तो मुझे वापस नहीं गया ऐसा हो जाता है बच्चों को, तो वो तो सब उसके बाद में तो लड़कियाँ जाने लगी, सात आठ बच्चे थे और 7 स्टैंडर्ड के लोग दरवाजा बंद करके स्कूल को बराबर लॉक करने तो 2-3 घंटे हो गए, भाभी तो चली गई थी, तो एकदम मैं पढ़ता था तो मैंने विंडो में भाभी को देखा, तो मेरा क्या हुआ क्योंकि तीन डोंगर वाले ने उसका गांव है और बारिश में ये कैसे आई क्यों आई और वापस क्यों आई, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम बहुत होते हैं बच्चे जब घर जाते हैं तो माँ भाग गई होती है कभी कभी, का तो कुछ दूसरा होगा घर पे कोई प्रॉब्लम दूसरे होते तो या तो भूल गई है तो भी लेने आएगी, इतना तक भूल गई है तो भी लेने आएंगे कि मेरा वो टूट गया, तो वो मैं बोला क्या हुआ तो रोने लगी एकदम, तो मैंने दूसरी एक लड़की है सात डोर की उसको बुलाया कि तुम देख उसको लाल तो वो पकड़ के अंदर लाई जाएगा, मैंने क्या हुआ बेटा बोल इसकी रोटी क्यों है भूली ही नहीं, तो मैं उसको पूछा कभी मैं तो नहीं बोल रहा तू पूछ उसको बड़ी लड़की, तो बड़ी लड़की ने उसे पूछा उनकी लैंग्वेज में कि तुम क्यों वापस आई, तो मैं बोली कि मेरे दादा को बोलने आई हूँ कि मैंने गांव में जाके सेबी से खेल के 15 दाव उतार दिया है, अब हम दर्शन करने जाते हैं माता जी की प्रार्थना करते हैं, हाँ ये सामने खड़ी है उसको हम पहचान देंगे,
ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्यार है बच्चों का, ये जो है कि भाई मैं तेरी जिम्मेदारी लेती हूँ, और तीन नोवर जो वो कुछ कोई आया है उसका गांव का उसके साथ इतना बोलने आई है कि मैंने तेरे दाव उतार दिए हैं, तो ये कितना बड़ा हमारे पर बोझ रहता है, और वो बोझ जो है वो ही धरती पर चढ़ाता है। ये मैं मानता हूँ, ये जो दुनिया चलती है ये ऐसे रीत है हिसाब से चलती है, इसीलिए हम लोग जिंदा है, इसीलिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई उत्पाद उपयोग ही नहीं है पृथ्वी का, अगर हम ये न करें, अगर ये प्रेम न करें, अगर ये एक दूसरे को इस तरह से ना चाहें तो ये दूसरे का। तो मैंने उसकी स्टोरी लिखी, तो ये एक बात बननी चाहिए। हमने किया, मैंने पहले बच्चों को कहानी बोली, बहुत अच्छी बात है, फिर पहले से ही बोल करो कि हम करमगढ़ में आए, मैं तब मैं शायद अभी नौकरी नहीं रही थी, 25-22 साल की उम्र थी, और मन में तो राम ने तो क्या क्या करूँगा, और हर एक को एडवाइस करने का आदत, ये क्यों करती हो वो क्यों करती हो। तो स्कूल से घर ऑफिस से मैं 4:30 बजे छूट जाता हूँ, तो घर आता हूँ, और घर में रस्ते में दो साइकिल पर आते थे दो लड़के, आपस में बहुत झगड़ रहे थे, तो मैं पहचानता था किसके लड़के हैं, गांव हमारा छोटा था वो टाइम का, मतलब बहुत बड़ा गया, तो मैं पूछा कि भाई झगड़ा क्यों करते हो, तो वो बोले और क्या करें, बच्चे ने पूछा कि और क्या करें, ना इतनी पूछ के पर गया ना। तो मैंने सोचा कि अभी ये जो एडवाइस देने का तरीका है बदलना पड़ेगा, फिर घर जाके दिव्या को बोला कि दिव्या वो उनके दो बच्चे हैं जगत रेट में, उनको क्या करें, तो बोला अभी आपने पूछा है उन्हें तो क्या करें, तो बताना तो पड़ेगा कि क्या करें। तो मैं बोला हम लोग क्या करें, देखो चलो मैं करती हूँ कुछ भी, उठा बोला शाम को बच्चे को बुलाओ हम कहानी बोलेंगे। तो एक पेड़ के नीचे बैठ मंदिर के अंदर बैठ के हम 17 मंदिर है बैठ के कहानी बोल रहे हैं बच्चे को, वो कहानी बोलते 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 बहुत सी कहानी खत्म हो गई, मैंने पूरा महाभारत पढ़ के वो भी बोल दिया पूरा था। फिर एक दफ़ा मैंने अपनी कहानी बनाने की शुरू कर दी, शायद उसीलिए मैं लिखना सीखा, तो उस पर समुद्र आया, तो मैं बच्चों को बोला भाई दरिया समुद्र देखा है, तो बहुत कम लोगों ने समुद्र देखा हमारे पास, तो बोला मैं अगर समुद्र किनारे जाना है तो फिर जाएंगे, कभी कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे ने नाम लिखवा है, हम आएंगे, हर एक बच्चा अलग अलग स्कूल से, मतलब हमारे स्कूल बहुत है हर जगह पूरी दुनिया में स्कूल बहुत है। तो वो तो स्कूल से अलग अलग स्कूल से बच्चों का, तेरी स्कूल से मेरी स्कूल बेहतर, एक बहुत भाव होता है जो हमें मालूम ही नहीं था। तो हमने बोला कि भैया आप लोग आ जाइए शाम को 5 बजे, मम्मी पापा आपके छोड़ जाएंगे, उन्होंने 5-5 रुपये टोकन लिए थे, बाकी का मैं साइकिल लेके घूमा और पैसा इकट्ठा करके आया कि बच्चों को ले जाना है कोटा, और वहाँ को 6 दिन रहेंगे, थोड़ा हम क्या करवाएंगे मतलब पता नहीं क्या उनको जाके ही करेंगे। तो बच्चे सब ट्रेन में बैठ गए, अहमदाबाद आके रात को सोमनाथ मिल में भावनगर जाने वाले थे, तो उस टाइम भावनगर मीटर के एक डब्बा लगता ना सोमनाथ में दो लाख से अलग हो गए। तो जैसे ही बच्चे आए तो मारा मारी, अगर तू तेरी स्कूल वाला मेरे पास बेटा तू कौन सी स्कूल में जा, तेरी तेरी स्कूल जा इधर जा, एक दूसरे का सामान फेंक दे, जूते फेंक दे, अरे मेरे वॉलेंटियर थे 3 मेरे साथ, तो घबरा गए बोला ध्रुव भाई हम लोग अहमदाबाद से वापस जाते हैं, ये सेना नहीं रहेगी। इतना झगड़ा इतना झगड़ा, उधर खाने में भी मतलब ट्रेन में सबको बिठा के थोड़ा पूरी वूरी सब लाए थे खिलाया, तो उसमें भी झगड़ा, और किसी का बाल अगर खत्म हो गया था वो आया है बना के और किसी ने हाथ लगा दिया तो मारा मारी, मेरा बाल खराब कर दिया मेरे, ये खराब क्या करें। तो मैं बोला चलो जो भी होता है, गोपदान तो पहुँच गए ऐसे, और रूम दिए एक लड़कियों का रूम एक लड़कों का रूम, मंदिर के पास जितने कमरे थे उसमें से लिए थे, और एक वॉलेंटियर के लिए थोड़ा अलग से। तो बच्चे को बोला इसमें रहना, इसमें हम कहते वो तो दूसरे स्कूल वाले भी इसमें रहते हैं, हम तो रहेंगे नहीं,
नहीं, मैं ऊपर कामन फेंकने लगे, ये करने लगे, मैं ध्रुव तो फिर हम वापस जा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि अभी इनको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो कामन वहाँ रख के हम लोग बाहर निकल समुद्र के किनारे चले गए। और दो घंटे मैं पूछा किसको नहाना है, तो जिसको नहाना था उसने बोला हमें नहाना है, तो बाकी लोगों ने बोला हमें नहीं नहाना है क्योंकि वो नहाता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम हमको क्या करना है वो हमारा दुश्मन डिसाइड करता है, वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बच्चे फिर दो घंटे धीरे धीरे तो नहाने लगे, पहले ना बोला ऐसा घूमने लगे, फिर धीरे धीरे अंदर गए, दो घंटे नहाए साथ में। और फिर तब तक शाम को छः बज गए, चार बजे अंदर गए थे दरिया में, छः साढ़े छः बजे बाहर आए, और एक ही कमरे में लड़का लड़की सब, उसको बोलना पड़ा कि भाई तुम बाहर आओ, चलो तुम्हारे कमरे में जाओ, मेरे खाना खाना जाने लाइन, चलो जल्दी अपना अपना बर्तन लेके खाने चलो, सबको डिश लेके आए होते वहाँ जगह। तो ये फर्क कहाँ से था, मुझे उसी दिन बेचारा कि एक दो घंटे में क्या हो गया, पूरी रात झगड़ के आए। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लगा कि मानो या ना मानो प्रकृति के पास इतनी शक्ति है कि वो उसे अपने जैसे बना के ही रखे आपको। अगर हम तो फिर किसी ने बाल की चिंता नहीं की, कैसे दिखते हैं चिंता नहीं की, और एक लड़का अपना टॉवल भूल के आया, कोई कुछ भूल के आया, तो बोला दरिया किनारे जाओ जल्दी डूबो वरना पानी गिर जाएगा। तो वहाँ तो जाके खींच के रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, खाना खा के वापस आए तब तो वो जाके ले आए। अभी दूसरे कमरे में नहीं जाते हैं बच्चे अकेले घर के, वहां समुद्र किनारे जगह, और भाई ये भी प्रकृति का दिया हुआ। तो ये सब बातें मैंने सोची और वहां से मुझे विश्वास हो गया कि अगर हम नहीं पढ़े हैं तो खुद न पढ़ा रहे हमारे, फिर हमको कुछ टेक्निकल बनना है तो सीखना पड़ेगा, चलो कंप्यूटर का ये सीखना है तो वो तो सीखना पड़ेगा, लेकिन जब तक जिंदा रहने के लिए कुछ करना है नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पढ़ा, बहुत से लोग नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इतने बेहतर तरीके से नहीं जी सकते शायद जैसे हम जीते, मगर कुदरत से तो कुछ लेना ही है। तो मैं पढ़ाता हूँ जब स्कूल में, तभी मैं सबसे ज्यादा वजन इस पर देता हूँ कि आप कुदरत के पास तो चलो चलो, क्योंकि सीखना तो वहां है। गांव में मैं गया तो हर एक गांव में, बहुत गांव में भी घुमाऊ, पर गांव के लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज जिसको हम बोली बोलते हैं, भाषा एक अलग बात है। भाषा तो सजी सवरी होती है, जैसे रिफाइंड ऑयल है, और उधर रो मूंगफली खा रहे हैं आप गाँव में जाके, ये तो ऐसी तो वो भाषा कहाँ से आती है, वो भी नेचर से आती है, वो बोलने पर मालूम हो जाती है कि ये कुछ अलग ही बोल रहा है। जैसे कि हमारे भाई गंगा सती हुई थी, एक जैसल तोरल का भजन भी, तो वो भी कविता लिखती है, वो लिखती है जो हम लिखते हैं ऐसा ही। जैसल को बहुत गुनाह किया है जैसल ने, तो टोरल बोलती है कि भाई मैं तुझे तू तू तो अपना पाप सब बोल रहे, पाप तारू पर का जड़े या धर्म तारो गंगा, वो तो हर आदमी बोलता है, मैं भी बोलूंगा अरे भाई तू यार इतना पाप करता है बोलने ना यार क्यों इतना धर्म कर कुछ काम कर। लेकिन उसके बाद में जो बोलती है तारी बेटली ने मुड़वा नहीं लगी, ये ताकत कहां से, अगर तू तेरा पाप बोल देगा, अगर तू तेरा ये कर देगा, तो मैं तेरी होड़ी को डूबने नहीं दूंगी समुद्र के बीच में, जब होड़ी डूबती है तो टोरल ये बोलती है। गंगा सती बोलती है कि पिंड रे ब्रह्मांड की परछ है गुरु जी मारो, पिंड ब्रह्मांड से मेरा गुरु तो परम है, वो तो हम भी बोलते हैं रोज के भाई हमारा तो ईश्वर तो अलग ही है सबसे, लेकिन बाद में वो बोलती है एनो रे देखा रो तुमने देखो वो देश में तुमको दिखा सकती हूँ। ये ताकत कहाँ है, ये प्रकृति दे सकती है, प्रकृति आपको वो समझ तक ले जाती है। मैंने बहुत सी जगह में अनुभव किया है और सुना है और माना भी है कि वो जो बोलती है वो सच है। कहीं कहे गुरी ने मुझे बोला था काले में कई बात करी थी माँ जी बोले थे
उनको कितना नॉलेज है बिना पढ़े, वो पेंटिंग करती है रात को टिबरी टिबरी यानी छोटा सा लैंप, केरोसिन लैंप छोटा सा, वो बॉटल के अंदर डालते हैं और बॉटल के ऊपर ढक्कन के ऊपर होल गिरा के और फिर जले उसमें पेंटिंग करती है। तो मैंने पूछा था हमारी आँख खराब हो जाएगी, तो बोला इसको एग्जीबिशन में भेजना है, हजार आदमी को देखना मिले उसमें मेरी दो आँख खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए कहा हाँ हाँ आँखें हैं तो देखना तो पड़ेगा, आँखें हैं तो देखना, देखने की चीज तो चाहिए। तो मारी ने बोला तो गलत बोल रहा है, देखना है इसलिए आँख है। दिस इज समथिंग, ये तो बहुत पढ़ने के बाद हमको मालूम होता है कि हमको आँख इसलिए मिली है कि हमें देखना है। प्रकृति ने हमें क्यों दी है आँख, हमको कान क्यों दिए है, हमें सुनना है। कितने वंश ऐसे हैं जिसको आँख कान नहीं होते जमीन के अंदर, उसको जरूरत नहीं है। तो प्रकृति ने ये कितना पढ़ने के बाद मिलता है, वो वहाँ बैठी बैठी पेंटिंग करती, कभी स्कूल नहीं गई हुई लड़की को दूसरी माँ बोलती है माँ जी, उसी की वहाँ उसके पेड़ एकदम नीचा उसके घर पे था, तो मैंने कहा कि माँ जी के पेड़ के नीचे अपने घर बनाए कभी गिरेगा, तो बोला नहीं गिरेगा, उसको मालूम है नीचे आदमी रहते हैं, अगर हम बोले ना तो लोग तालियां बजाएंगे क्योंकि हम साहित्य की बात मानी जाएगी, लेकिन उनकी तो अनुभव की बात, तो मालूम है कि दुनिया में हरेक जीव को एक दूसरे की केयर करती है। वहां रहते हैं उनको मैंने कहा आप इतने जंगल में रहते हैं, चलो मैं आपको राजकोट ले जाऊँ, तो ना बोला। मैं बोला क्यों, क्योंकि राजकोट में आपको हमको इतनी मजा नहीं आएगी, यहाँ मजा आएगी। तो बोला वहाँ पक्के मकान है, ये है, आपके वहाँ पर इतना जीव जंतु है, सांप है, बीची है, ये आपको सिंह आते हैं और ये, तो आपको वहाँ अच्छा लगता है यहाँ। तो बोला ऐसा है तो भी वहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा जीव यहाँ रहते हैं, जीव प्राणियों नहीं, एनिमल्स नहीं, लाइफ। वहाँ के राजपुर में या अहमदाबाद में जितनी रूहें रहती है उससे ज़्यादा रूहें यहाँ रहती है। ये रूह की जो बात है वो आप नर्मदा की एक बात करते हैं, ऐसे नर्मदा यात्रा तो मैंने नहीं की, पूरी परिक्रमा तो नहीं की, मगर गुजरात से जबलपुर तक चला हम अतारापी चले। उससे पहले मुझे पढ़ना मिला कि क्या क्या यात्रा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है नर्मदा ऐसे पैदल यात्रा करने के लिए, तो उसके नियम में चार बहुत अच्छे नियम हैं। एक तो मैं नदी का स्नान नहीं करूँगा, नर्मदा को मैं छूंगा नहीं, अगर आप नर्मदा को छू गए तो आपकी भंग हो जाएगी प्रदा। जो नदी के साथ आपको पूरे समय रहना है वो नदी का पानी में खराब नहीं करूँगा, ये कितना सोचा होगा। दूसरा, मैं शाम का खाना साथ में नहीं रखूंगा एक्सेप्ट वो जारी है, तुलपान की जारी है, उसमें ढाई दिन ढाई टंक यानी अभी रात को कल और ऐसा दो टंक के ऊपर तीसरा टंक इतना खाना रखूंगा क्योंकि वहां रहने में कुछ मिलता नहीं। और मैं मेरा नाम का क्या करूंगा और मेरी मान्यता का जो मैं मानता हूं, अब ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मानता हूँ नर्मदा मुझे दर्शन देगी उसका भी त्याग करना है, मैं मानता हूँ ये नर्मदा देवी है उसका भी त्याग, मान लिया है ही नहीं, मुझे देखना ही है, मुझे देखना ही है कि क्या होता है। नो बिलीफ, मैं मेरी बिलीफ छोड़ देता हूँ और बाद में चलो, बहुत मजा आता है। उसमें लोग बोलते हैं कि नर्मदा खुद आपको कन्या के रूप में आके मिलती है, बहुत तो मिली है, ऐसे लोग हमें मिले भी, हमने पूछा कि आपको आपने देखा कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ, तो सामने देख के रोने लगते हैं, आंख में से पानी आए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो बोल नहीं पाते क्या हुआ। तो
वो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? नदी कभी इंसान का रूप लेगी? मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो प्रार्थना भी जब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जो पोएम्स है वो वही है, मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैंने कभी पेड़ को प्रार्थना करते हुए नहीं देखा, मैंने पर्वत को प्रार्थना करते हुए नहीं, मैंने समुद्र को प्रार्थना करते हुए, अरे मैं क्यों करूं? वो सब डिक्लेयर करते हैं कि खुदा है, ईश्वर है, पेड़ बोलता है कि ईश्वर है, पर्वत बोलता है ईश्वर है, तो मैं भी ऐसा खड़ा रहूंगा तो मतलब है ईश्वर है, मैं क्यों प्रार्थना? तो मैं प्रार्थना नहीं करता। तो ये मैं कैसे मान लूं कि नर्मदा स्त्री का रूप धारण कर लेगी और आएगी? तो कुछ तो होता है जो मानसिक स्तर पर होता है, वो क्या है वो देखने के लिए हम लोग सातों आदमी, वो रबर की ट्यूब होती है टायर की अंदर पानी ट्रक की, उसमें ऐसे बैठे ऐसे पूरे रिंग में, और पानी में सुबह 6 बजे गिरे, शाम को 6 बजे जहाँ निकले वहाँ वो एक ट्राई करो क्या होता है, बाद में यात्रा करेंगे। तो जो अनुभव हुए कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई नदी को नारी रूप में देखा, लेकिन जो हुआ है वो आज तक हम सातों में से कोई भी बतला नहीं सकता एक दूसरे को। अगर आज फोन करके बोलूं नहीं भाई उस दिन, अरे यार तुम भाई बात मत करो, उस दिन जो हुआ क्या हुआ, ये जो अनुभव है मैंने सोचा ये तो कुछ अलग ही है। तो कुछ तो होता है प्रकृति, अगर मैं नदी बन जाऊं तो नदी में बन जाऊं, दैट इज कंडीशन, वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन पहले मुझे नदी बनना पड़ेगा ने? ये जो एकदम इंटीमेट रहेगी तभी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, उससे आगे कुछ नहीं। पुस्तक जो तत्वमसी वो आपकी यात्रा के अनुभव पे ही थी? हाँ, ना उसमें तो पर्पसफुल की थी मैंने, क्योंकि एक जर्मन फैमिली हमारे साथ मांडू गया था, तो बाजू के कमरे में रहते थे, तो बोले मुझे कि भाई जर्मन है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, तो दोनों की ऐसी लैंग्वेज में बात होती थी कि वो बोले हम लोग यहाँ आए हैं तो हम शादी देखनी है, लेकिन आपका देश में क्या ये गड़बड़ है कि पूरे साल शादी ही नहीं है, ये सब कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ तो रीजन होगा, तो मैं रीजन अच्छे से अच्छा मिलेगा, नर्मदा किनारे में घूमूंगा, वही तो ये सब बैन है नहीं है, तो मैं रीजन ढूंढने के लिए गया, मैं बोला आपका एड्रेस मुझे दे दो, मैं आपको लिखूंगा कि क्यों नहीं होगी शादी ये साल में, तो फिर रीजन तो मिला तो उसको लिखा, तो मुझे पड़ी होगी इसको मालूम, इसलिए मैंने नर्मदा यात्रा की। तो ये एक बात बहुत अच्छी है, शेयर करता हूँ, मैं कोई बिलीव नहीं और आप भी मानना नहीं, हम नेमावर से आगे जा रहे थे, तो किसी ने बोला अगले गांव पहुंच जाना क्योंकि यहाँ बालू आ गया रीच, तो रात तक में तो कुछ भी करके पहुंच जाना, अभी हम तो भूले पड़ गए, जगह भी नहीं मिली, हमारा एक साथी तो पागल जैसा हो गया, भूख से हमारा कुछ खाना भी नहीं मिला, अपना बाल कैचने लगा, मैं तुम्हारे साथ आया क्यों, तो मैं बोला वापस चला जाओ, वापस कैसे जाऊँ, मैंने वहाँ फोटो खिंचाई अपनी कि वो यात्रा पे चाहता है, तो ये सब प्रॉब्लम हो गई, और एकदम फिर कपड़े फाड़ने लगा, फिर उसको तब पानी वानी पिलाया, खाना वाना खिलाया, फिर बोला अभी नहीं चल पाना, तो मैंने चलो नदी के बीच में पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर है एकदम सपाट पत्थर है, क्योंकि वहाँ जाके हम लोग आज रात रहेंगे, बालू नहीं आएगा, पानी में क्रॉस करके बालू आएगा नहीं, अगर आएगा तो हम लोग एक 7 आदमी हैं तो एक के बाद एक जागे ही ऐसा करेंगे, फिर एक के बाद एक जागना तो हुआ ही नहीं क्योंकि इतना थके हुए थे, जैसे खाना पेट में गया अंधेरा हुआ, तो एक आध घंटा 2 घंटा मालूम नहीं है, लेकिन एक आदमी ने किसी को जगाया कि चलो चलो, तो क्या ये जो ट्रक ये हिल है ना, हिल के पीछे रास्ता है, वहाँ एक ट्रक रिपेयर हो रही है, तो हम वहाँ चले जाए, तो ट्रक में बैठ के हम जा सकते हैं, तो दूसरा था तो जगह एक दूसरा लेके, तो सामान वामन लेके छोटा सा बस था, यात्रा में तो ज़्यादा रखेंगे तो भी ले लेंगे, वो चांस मिला,
वो ट्रक वालों के पास गया तो वो लोग बैठे बैठे कुछ कर रहे थे बैटरी में, कोई आवाज नहीं, कोई ये नहीं। जाते मेरे दोस्त ने देखा कौन है, मैं बोला आप ही कहते परिक्रमा मारती है। मेरा परिक्रमा मारती तो नहीं है, लेकिन ये चलने के लिए निकले, कोई परिक्रमा तो नहीं करती। आपको किसने बोला कि हम यहाँ आए, किसी को पता नहीं, हमने कोई आवाज नहीं की है, हम खाली बैटरी रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ लाइट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे टूटी बैटरी से टॉर्च से अंदर देख के काम कर रहे हैं। आपको बोला किसने कि हम लोग यहाँ है, कितने दूर यहाँ से करीबन गेट गेट तक। तो मैंने बोला भाई मुझे तो तुमने बोला नहीं, मैंने मेरे को किसी ने लगाया, मुझे तो मालूम नहीं, तुमको किसी ने लगाया, तुमको किसी को मालूम नहीं कि किसी को। ये एक अनुभव है, लेकिन उसमें भी वो कोई लड़बड़ा वड़बड़ा नहीं है, इतने हो जाने से मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा किसी को सपना आया होगा तो उसने देख के देखा तो अगर लाइट और की कोई लाइट पड़ गई होगी तो चलो वहाँ जाते हैं, ट्रक आके खड़ी रही तब उसको आवाज आई होगी, मगर ये सब होता है। तो ऐसी बातें ऐसी बातों को बढ़ावा देती है। मूल बात यह है कि दरवाजा मिलती है नहीं मिलती है वो अलग बात है, परिक्रमा होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा अनुभव है अपने आप में, बहुत बड़ा। तत्वमसी क्यों रहा? तत्वमसी क्यों लिखी? नाम क्यों? नाम क्यों? नाम मेरी माँ ने पढ़ा कि बेटा तेरी बुक को इतना बड़ा नाम नहीं देना चाहिए। पहले मैंने प्रतिश्रुति नाम से लिखी थी, लेकिन हमारे दर्शक करके मनवाई बंदूरी बहुत बड़े लोग भारती, आप तो पहचान सब लोग भारती के करतार कर रहे, उन्होंने बोला कि ध्रुव भाई प्रतिश्रुति का मतलब ना प्रति गच्छति, प्रति गच्छति का मतलब तो ये होता है कि वापस जा रहा हूँ। तो मैंने वो कि सर्व देवे प्रार्थना और सभी केशवम प्रति गच्छति ऐसा कि केशव की ओर जाते हैं, बोला ऐसा नहीं होता है, अगर आप अकेला प्रतिश्रुति करेंगे तो ये मतलब हो रहा है। तो फिर मैंने बहुत ढूंढ के तत्वमसी रखा, तो मेरी माँ ने बोल दिया कि बहुत बड़ा नाम दिया है, ऐसा अपनी नोवेल को नाम नहीं देना चाहिए। तत्वमसी मतलब ये क्यों नहीं है? तो ये जो पानी के अंदर आते हुए हमें अनुभव हुआ था कि ये कुछ है तो सही, क्या है मालूम नहीं, लेकिन शायद वो ही मैं हूँ और मैं ही हूँ, ये हर एक को एक अनुभव लाइफ में एक दफा तो होगा, आपको भी होगा, कोई ना कोई रीजन है, बस सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो इसलिए अरे अटरापी की बात करके मैं छोड़ देता हूँ, टाइम है ना आपके पास, मैं तो रात तक बोले जाऊँगा। एक छोटी सी बात दादा, एक बुक के बारे में बता दूँ, और दादा की बुक पे एक गुजराती मूवी बन रही है, थोड़ा सा बदलाव तो किया होगा, लेकिन अगर ज्यादा किया आपको पसंद ना आए तो उसमें मेरा दोस्त तो ये लिखना बखना सब मैं कहां से मिला, जब मैं छोटा था दूसरी स्टैंडर्ड में पढ़ता था, लिपि सीखता था, भाषा सीखता, तो हमारे टीचर ने बोला था कि तुम बाहर जाओ ना तो बोर्ड सब ऐसे लिखे हुए नाम लिखे हुए होते घर पे बोर्ड लगाए होते हैं, तो वो सब पढ़ के जाओ तो तुमको नए नए शब्द मिलेंगे, नई नई कहीं भी जाओ तो अगर बस में जाते हो बाहर गाँव जाते हो तो जात जात का लिखा हुआ मिलेगा। अभी मेरे बच्चों को भी मैं अभी अगली रिक्शा के पीछे क्या लिखा है पढ़ा था पर, तो ये मजा है। तो मेरे एक दोस्त था, हम दोनों ने तर्क लगाई कि भाई मैं कुछ बोलूं पढ़ूं उसका तो उल्टा करेगा, क्योंकि ऐसे ही बुक पढ़ने की मजा नहीं आती, उसका उल्टा भी बोलेगा और उल्टा बोलने के टाइम मीनिंग निकलता है तो एक मार्क मिलेगा, मीनिंग नहीं निकल रहा है तो नहीं, डांट में किसको कितना मार्क, पहले मैं पढ़ूंगा तब मैं बोलूँ। जैसे हम बाहर निकले तो एक मकान होगा तो उसको बोलेगा माँ की कृपा, माँ जी माँ की कृपा ऐसा मकान, तो कृपा की माँ बनता है मतलब निकल रहा है तो तुरंत, और आगे जाके देखते हैं तो सी शाप बीड़ी, अभी बीड़ी शाप सी तो नहीं हो रहा
ये मीनिंग नहीं तो बहुत मजा आता था। तो मुझे बचपन से हर एक बात में उल्टा सोचने की इतना उल्टा आप माफ करो, आप तो गांधी जी के, मैं गांधी जी की भूमि में बैठा हूँ और मैंने भी खादी पहनी है, मैं गांधी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गांधी अगर पढ़ाने स्कूल में आएंगे तो मैं बोलूँगा नहीं। मैं जब पंजौर में गया तो चिट्ठी आई मेरे पर, आज गांधी जी का कुछ दिन था तो आप उसको बात करिए उसकी, तो मैं बोला आज मैं तालिबान की बात करने वाला हूँ। ये नहीं कर सकते बच्चों को, आप क्यों ये कर सकते, ये तो मेरा स्वभाव। मैं मुझे वो गलत मत समझिए, जितना गांधी को गलत समझिए, मैं गांधी की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे को एक आदत हो गई उल्टा सोचने की, अगर मुझे कोई फोर्स करेगा तो मैं थोड़ा उल्टा ही करूँगा, नहीं करेंगे तो ठीक है चलो। तो वो चलता रहा। तो मेरी सभी नॉवेल ऐसी बातों में लिखी है। पहली अग्नि कन्या करके है, द्रौपदी की बात है। हम गिर में पैदल चल रहे हैं तो वहाँ एक बाणैज करके जगह है जिसमें बाण गंगा नामक नदी है। बाण गंगा नदी का नाम ऐसा क्यों है ऐसा पूछा तो वहाँ के महाराज ने किया कि द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने वहाँ बाण मारा, पत्थर एकदम पत्थर उठ में पानी निकल रहा है, दिखता है पत्थर में, वहाँ तीर मार के पानी निकाल दिया तो सभी प्रभावित हो गए। अर्जुन पत्थर में तीर मार के पानी, क्योंकि अर्जुन की बात यही नहीं है, भूल जाओ अर्जुन। बात यह है कि अर्जुन जैसे महान बाणावली को भी वो स्त्री मारती है उसी जगह पानी निकाल के देना पड़ता है, तो ये बात तो द्रौपदी की है। बात हुए ना, वरना गिर में पानी नदी 15 फुट दूर जाओ, डोल भर के आओ, बाल्टी भर के आओ, लेकिन नहीं वहां खड़ी है पानी पीना है वही निकाल दो और अर्जुन करेगा। तो इंप्रेशन कौन बड़ा है। तो मैंने पूरी नॉवेल अग्नि कन्या लिख दी। फिर अतरापी करके मेरी एक नॉवेल है जिसमें कुत्ते है, मैं बहुत स्पष्ट हो गया उसमें, क्योंकि जो नियम की बात है वो भी नियम भी नहीं है। तो वो कुत्ता है, उसमें दो बच्चे हैं, उसकी माँ बोलती है कि भाई आज तुम्हारे टीचर आज से आएंगे और तुमको सिखाएंगे। तो छोटा वाला बोलता है कभी मैं तो रोज कुछ सीखता हूँ, मुझे टीचर की क्या जरूरत है। तो बड़ा बोलता है माँ के सामने ऐसा नहीं बोला करते, टीचर आएगा आपको सिखाएगा, टीचर आके पट्टा पहना दोनों को। तो माँ खुश होती है, मेरे बच्चे को इतने गहने मिल गए और स्कूल में दाखिल हो गया। वो छोटा वाला बोलता है ये थोड़ा तकलीफ करता है, तो उसको वहीं से बंधन नहीं चाहिए। बात क्या है उल्टा सोचने की, जो बात है हर एक जगह कुछ वो कुत्ता उल्टा ही सोचता है कि पिल्ला बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने दरवाजे में से बाहर निकल रहा है और चला जाता है, भूल जाता है बाहर पता नहीं लगता है, तो बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा रहता है कि ये क्या है। तो अंदर से एक बड़ा मौन कुत्ता आता है और वो बोलता है वाह 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 यहाँ क्यों आया, तेरे इलाके में चला जाए, तेरे इलाके में चला जाए। वो बच्चा बोलता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं इलाका क्या होता है, टेरिटरी क्या होती है, मुझे मालूम नहीं। वो बड़ा कुत्ता बोलता है अंदर ये दरवाजे के अंदर आ तो मैं बताता हूँ टेरिटरी क्या है इलाका क्या है। तो पिल्ला बोलता है मुझे समझ में आ गया, जहाँ से बाहर जाना सलामत नहीं है उसी जगह को आप अपना इलाका बोलते हैं। देखा इलाका का मतलब ये है, हम लोग इलाका ये ये तो इसका इलाका है, अरे घबरा जाते हैं भाई, इलाका इसलिए है कि वो वहां से बाहर नहीं आ सकता, वो घबराता है बाहर। इलाका बिना आदमी मैंने एक ही देखा है महात्मा गांधी, उसका कोई इलाका नहीं, हमारा सबका इलाका, मेरा नॉलेज मेरा इलाका, मेरी ये अपनी नॉलेज का भी इलाका नहीं रखा। फिर वैसे पोतड़ी पहन के चला गया रानी के सामने, ये जो है इलाका लग, ये तो बहुत बड़ी बात, ये इलाका बिना होना। तो वो मुझे के उनकी गेंद खेलने से ये सब लिखने का मजा आता है। अभी आपको कुछ बोलिए, मैंने तो बहुत बोल दिया, मैंने बोले तो ना आप लोग कम्युनिकेशन होगा, लेकिन हुआ नहीं, थोड़ा बड़ा हुआ।
अगर किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, पूछना है जीवन को लेके और व्यवहार इतना, ये तो सवाल नहीं हुआ, हम सवाल पूछना है। यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? कैसे हम जब हम बच्चों को लेके समुद्र किनारे गए और उनको जो प्रकृति का असर देखा, तो हम भी हर एक साल जाने लगे और बच्चे घर जाके माँ बाप को बोलते हैं कि भाई ये तो हमको उधर कुछ काम ही नहीं है, उधर कुछ दिखाते भी नहीं है, पूरे दिन खेलते हैं, लेकिन इतना सीख के आते हैं कि, तो उनके माँ बाप बोलने लगे कि ध्रुव भाई हमको भी ऐसे कैंप में ले जाओ। तो बोला भाई बच्चों को तो मैं छोड़ देता हूँ खुला, तो उनको तो कोई आपको ऐसे खुला छोड़ूंगा तो पूरे दिन मुझे किसी वक्ता को बुलाना पड़ेगा, ये तो बहुत शिविर बोलते हैं, वो शिविर करना पड़ेगा, और वो तो बहुत तकलीफ वाली बात है। तो मैं बोला ऐसा करें कि हम लोग चले समुद्र के किनारे चले, तो हमारा शाम से शाम तक हो जाएगा और यहाँ पानी यहाँ चलना, ऐसे पूरा गुजरात का नहीं तो सौराष्ट्र का जो समुद्र किनारा है मैंने चला है। आज 6 दिन चले, फर्स्ट में से चालू करेंगे, 7 मई को पूरा करेंगे और अगले मई में फर्स्ट में से वहाँ चालू करेंगे, 7 मई आगे ऐसा पूरा स्टेप बाई स्टेप। मैंने हम लोग और मैंने 30 आदमी थे, तो हाँ इसमें से ये सीखने मिलता है कि बाहर कोई किसी को कोई नहीं, मतलब आदमी लोग खेती में काम करते हैं, इतने समर में हम जाते हैं मई महीने में कितनी गर्मी में वो खेती करते हैं, क्योंकि बारिश आने के टाइम जमीन तैयार होनी चाहिए, उसके बाद ज़्यादा बारिश रहती नहीं है। इतनी गरीबी है कि, और फिर भी अगर पूछे कि कैसे हो, ऐसा करके बोले कैसे हो, अरे हाँ करा अरे बापा, यानी कि बहुत मजे में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते साहब, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हम इतने सुख वाले हैं, लेकिन ऐसे कोई पूछे कि कैसे हो तो हम ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलते। इधर से वो हाँकला है, यानी कि पड़ताला नहीं कर रहा है, एकदम हाँकला है, तो वो देख के उनका एक गाना भी वो जो दिल को छू गया वो चीन। अच्छा मैं आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, किसको किसको हिंदी में बोलूँ सबको, कि अगर मैं रास्ते में जाता हूँ और कोई मुझसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो मैं बोलूँगा मैं समंदर के जैसे मोज में हूँ और ऊपर से कुदरत की मेरे पर आशीर्वाद है, मेरी जेब कटी हुई है और उसमें मैंने मौज आनंद रखा है, ऐसा आनंद कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो भी मुझे लगेगा कि मैं मेले में हूँ। ताला नहीं दे सकते हैं ऐसी छोटी सी पटारी में, पेटी में हमारा खजाना सलामत है और ऊपर से कुदरत का आशीर्वाद है। ये आँख में पानी तो आता है और जाता भी है, लेकिन भीतर जो किनार पे मॉइस्चर है भीतर का खत्म नहीं होता, और बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, वो हिसाब किनारा रखता है, बीच समंदर को परवाह नहीं होती, मतलब भर्ती आती है और जाती है, और बीच में अगर है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा किनारे पे होंगे तो मन बना है, सूरज है उगता है और अस्त भी हो जाता है, लेकिन आकाश तो जैसा कि वैसे ही मेरे ऊपर, तो मैं ये चिंतु कोई मने रस्ते मरे ने कदी धीरे की पूछे के केम छे तो आपने तो कहिए के दरिया की मौज मन ऊपर की कुदरत नीरे मुझे पाटे ना किसानी आड़ मामू की छे में छलकाती मलकाती एक लो भून तो मेरा माया करे मने रो तारू बसाए नहीं देवरी पटारी अपनो खजानो हेम खेम छे अपने तो कहिए के दरिया की मौज माने ऊपर की कुदरत नीरे आँखों में पानी तो
जाए नति भीतर विनाश प्रति ओची वध घटनो पाठो राखे सब नति परिवार मंदर ने होती सूरज तो उगे ने आत्मी जाए मारी ऊपर आकाश मुंडे मुझे आपने तो करिए के दरिया की मोज माने ऊपर भी कुदरत नीरे मुझे थैंक यू तुम्हें बनाए मैंने सांभरो मैंने तुम्हारी बात में करी बजाएगी एक दफा ऐसा करें समुद्र के किनारे जाएं और वहां पर चले बिल्कुल अरे बहुत मजा आएगा तो आपको भी मालूम होगा कि क्या होता है जो चेंजेस नेचर क्या क्या देती है कैसे हमको बदलती है अगले मई महीने सारे मनुष्य गोपनाथ से लेके महुआ तक चलेंगे बहुत अच्छा वेरिएशन है समुद्र में किनारे में कहीं ऊपर चढ़ना पड़ता है कहीं नीचे चलना पड़ता है कहीं रेत है कहीं कादो है तो हर टाइप ऑफ वेरिएशन इन जनरली तो बहुत मजा आएगी और 30 आदमी है कहीं खाना तो मिल जाएगा या तो साथ में ले लेंगे थोड़ा लेकिन यहाँ पानी यहाँ चलना है अगर कादो है तो ऊपर जा सकते हैं बाकी ऐसा ही चलना पड़ेगा गाँव में गाँव मिला तो गाँव नहीं मिला तो नहीं मंदिर में भी रहना पड़ेगा अगर ये कुछ मन में मधुबाई और भक्ति हो इनके साथ पांच से जगह और निकाल जो मन में आए समझे ना बादली हाँ आप गांधी है गांधी जी ने बोला था इतने क्यों करते हैं आप में नहीं है गांधी ये हमने मैं माफ कर दो हमने गांधी का प्रचार इतना किया कि गांधी मूल्य को हम भूल गए शायद लोग अभी नई इस तरफ जुट रहे तो उसका मतलब ये है कि हमने मूल्यों की बात की ही नहीं गांधी जी क्या पहनते थे क्या खाते थे क्या पीते थे अरे भाई ये सब नश्वर बातें अरे स्कूल में गए हूँ मैं भी खुद गांधी संस्था में पढ़ा हूँ आपकी यहाँ भी आया था मैं तत्वमसी जब उसको पढ़ने में आती थी विद्यापीठ में तत्वमसी उसको लेखनी में आती पढ़ने में आती थी एमए में उसको कोर्स लेने के लिए जब मैं आया तो मेरे पर चिट्ठी आई कि गांधी के बारे में कुछ बोलना हाँ तत्वमसी में मैं कैसे गांधी के बारे में अगर मैं तत्वमसी की बात करता हूँ तो पूरी गांधी की बात है वो क्यों उनको समझ में नहीं आता भारत की कोई अच्छी बात बिना गांधी है ही नहीं तो आप इतना क्यों प्रचार कर सॉरी मैं ये सब नहीं बोलना चाहिए तो मुझे लगा है आप उसकी बातें सुने उनकी ये करें उसने क्या किया देखो आप विभूत हो जाओगे कि अगर कोई भी अच्छा काम आप करते हैं तो गांधी का कहीं से नहीं आया और वो आया है ऊपर से उनकी ताकत थी उसने किया हम भी इतनी ताकत लगाएंगे हम भी कर सकते हैं ये तो इसीलिए दादा इसका जो भाव था इसलिए नाम स्वज्ञान रखा जी स्वज्ञान नाम हमने इसीलिए रखा स्वज्ञान की खुद से खुद की बापू ने पूरा जीवन ही एक्सपेरिमेंट्स उनके एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने सर्च पर प्रूव किया अपने अपने स्वज्ञान की तलाश करे मुझे वहां भी यही प्रॉब्लम हो रहा पूरे दिन जब मैं स्कूल खत्म करके बाहर आऊं गांधी का है अरे विनोबा जी नहीं है एक दिन में मतलब गांधी भाई मैं ध्रुव भाई बोलता है ऐसे जीता हूँ मैं विनोबा के लिए नहीं जी सकता मैंने बचपन से ये किया ही नहीं मेरी जो आदत है अगर मैं मुझे नहीं लगता मैं गलत जीता हूँ चोरी चोरी की बात वो बहुत अच्छी वहाँ एक अनुभव हुआ मैंने अतरापी में लिखा है ये प्रसंग पूरा भुज में धरती का मैंने तो सॉरी बहुत टाइम ले लिया मैंने एनीवे एक बात कर देता हूँ
ये अतरापी का जो भी कुत्ता का अनुभव है वो मेरे जीवन का अनुभव मैंने लिखा है। तो ये पिटवल का अनुभव है, वहाँ भुज में धरतीकंप हो गया, भूकंप हो गया, तो बहुत लोगों ने कपड़े भेजे बलसा लायंस क्लब से। अभी लायंस क्लब भेजेगी तो कितना फोटो गिराएगी, ये करेगी, ऐसे तो कोई भेजेगा नहीं। तो ट्रक भर के, वो छोटा टेम्पो भर के कपड़े गए उधर, बोले गए बहुत कपड़े आए हैं मुझे, हम लोग ये कपड़े तो पहनते नहीं हैं और हमें तंबू या ओढ़ने का ऐसा कुछ दे दो, ये पहनने के कपड़े हमें हमारे काम के नहीं है, कोई लेना नहीं, वो टेम्पो बना वापस गया, उधर कोई अनलोड करने वाला नहीं है, अभी क्या करें, लैंड क्लबर फंसे। तो बोला ऐसा करो डायरेक्ट पिटवल भेज दो, आदिवासी को दे दो। तो मेरे स्कूल में आ गए, तो मैं बोला ये क्या है सब, और साथ में कैमरामैन सब आए थे, तो ये कपड़े हैं। तो मैं बोला क्यों ना आए, लैंड क्लब में भेजे आदिवासियों को, दे बाजार में जाओ, गाड़ी खड़ी रखो, बोलो कपड़ा ले जाओ, पाँच मिनट में खाली हो जाएगी। तो बोला ऐसे कैसे कर सकते, आपको देने के लिए मिले हैं आदिवासी बोलते ना। तभी स्कूल में दूसरे मेरे साथिये थे, वो तो बोले नहीं नहीं तुम्हें ले लो ले, ये नहीं रखेंगे, हम ही ड्यूटी कुछ करेंगे। अभी वो तो अंदर रख दिया कपड़ा कमरे में, दो दिन तीन दिन किसी ने फिक्र ही नहीं किया, मैं तो उदय खा रहे हैं कपड़े को, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो सबको बुला के रूम। तो फिर मीटिंग हुई, उसमें रात में किसी ने लकड़ी डाल के कपड़ा निकालने की कोशिश की थी, पीछे की बारी खुल गई थी, तो मेरे पर चिट्ठी आई संजू भाई की, ध्रुव भाई चोरी की कोशिश हुई है, चोर कौन है तपास करना। मैं तुरंत ही लिखा चोर मैं हूँ, क्योंकि ये मेरा माल ही नहीं था, मैंने यहाँ रखा। तो फिर तुरंत मीटिंग बुलाई और बोला अभी क्या करना है। तो क्या डिसीजन लिया कमेटी ने कि गांव से स्कूल में हमारा थोड़ा रोड बनाना है, थोड़ी ये करना है, थोड़े पेड़ काटने हैं, वो सब करने के लिए आदमियों को बुलाओ, जो जो काम करता जाए उसको ये कपड़े देते जाओ। मैं बोला साहब आप क्या कर रहे हैं, हम गांधीवादी हैं। मैं बोला अगर आप ऐसा करेंगे तो गांधी भाई मैं बाजार में जाऊंगा, बोलूंगा कि अगर मजदूरी करने जाओगे तो दो कपड़े मिलेंगे, रात को आओ चोरी करो, एक पोटला भर के ले जाओ। ये मुझे कबूल है, ये मेरे गांधी क्या गांधी है, आप किसी की दी हुई किसी को देने की चीज में बीच में घुस के व्यापार कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो गांधी सोचता है, ऐसे एक्सट्रीम वो गांधी थी। तब मेरी जगह गांधी होता तो वही करता है, ये उसको नहीं लगता कि ये चोरी चोरी ना करनी सत्या चोरी, लेकिन चोरी तो हम कर रहे हैं साहब। आप सोचिए ना, एक फ्री देने की चीज है, भूत से वापस आई है, उधर नहीं ली थी हमको दी, हमने बोला था कि रास्ते में करो, उसका हम लेके और मजदूरी करवा के पेमेंट करेंगे वो कपड़े के रूप में, तो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ना, ये चोरी नहीं करना है। तो ये पूरा किया है, तो वो बोलता है कि भाई ये तुम्हारा धार्मे कुत्ता का नाम धार्मे है, कुत्ता बोलता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं जाऊंगा बाजार में और ऐसा बोल दूंगा कि आप चोरी करो। तो बोला कुत्ता इतना नीच है, तो बोला कुत्ता ऊंची या नीच नहीं होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं नीच हूँ गरीब घर में, ये लगा कि नहीं मैं नीट भी नहीं हूँ, भी नहीं हूँ, मैं ध्रुव भाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत समझने की कोशिश करना, मैं गांधी अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं उसको बहुत आदर से देखता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैंने उसकी पूरी किताबें पढ़ी। गांधी सेंटेनरी ईयर में जो ट्रेन गई थी गांधी एग्जीबिशन करके, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तो उसमें मैं पूरे इंडिया में गांधी का एग्जीबिशन लेके घूमा हूँ और मैंने गांधी की किताबें बहुत पढ़ी है, लेकिन मुझे गांधी वादियों से जरा तकलीफ गांधी से।